हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 63 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तुम्हारी सबसे पहली अपडेट है कि दी मार्वल्स मूवी का टीजर ट्रेलर इसी वीक लाया गया, जहां ट्रेलर ने ओवरऑल ठीक ठाक सा परफॉर्म किया। वहीं हुआ यूं कि मार्वल्स का ट्रेलर MCU का सबसे मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर बन चुका है। आलम तो ये है कि मॉर्बियस मूवी, जो पिछले 20 सालों में सबसे हेविली क्रिटिसाइज्ड सुपर हीरो मूवी थी, उसके ट्रेलर तक पर इतने डिसलाइक्स नहीं है जितना दी मार्वल्स के ट्रेलर पर आ चुके हैं। वहीं इस बार एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, जहां लोग दी मार्वल्स मूवी को सीरियसली ले भी नहीं रहे। पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है जहां लोग बस जोक मारकर निकल जा रहे हैं। वहीं इसी मूवी से एक और अपडेट आया कि टीजर में दिखे मूवी के विलन को कंफर्म कर दिया गया है, और वो है दार्बेन, और उसका रोल प्ले कर रही है जॉय एस्टन, जिन्हें आप सबने टीजर में देखा भी होगा। वहीं टीजर में ही हमने पार्क सियो जून को भी देखा, और देख के लगता है कि मूवी में उनका रोल कोई खासा इंपॉर्टेंट होगा नहीं। तो दी मार्वल्स का ट्रेलर आपको ऐसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगली खबर इन्फिनिटी वॉर से है। तो हाल ही के एक इंटरव्यू में थैनोस के क्रिएटर जिम स्टार्लिन ने यह बताया कि इन्फिनिटी वॉर में 45 मिनट का एक सीक्वेंस काट दिया गया था, जहां थैनोस नोवा जाता पावर जेम को हथियाने के लिए। यह पहले स्क्रिप्ट में रखा गया था, बट बाद में काट दिया गया था क्योंकि स्टूडियो VFX पर पैसा बचाना चाहते थे, और वो ये भी चाहते थे कि इन्फिनिटी वॉर एंड गेम जितनी लंबी ना हो जाए। अब ये बात कितना सच है कहा नहीं जा सकता कि क्या सच में वो सीक्वेंस 45 मिनट का होता, बट स्टिल वो देखना जरूर दिलचस्प होता। अगली अपडेट है वंडर मैन से। तो वंडर मैन शो की शूटिंग लॉस एंजलिस में चल रही है, और वहां से एक सेट इमेज आया है जहां हम बेन किंग्सले को देख सकते हैं उनके ट्रेवर स्लैटरी के कैरेक्टर में, और देख के ऐसा लग रहा है कि भैया शो में किरदार अहम होने वाला है ट्रेवर का। अगली मेजर अपडेट है डेडपूल 3 से, जहां डेडलाइन ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल फ्रेंचाइजी से दो बड़े कैरेक्टर्स हमें MCU के डेडपूल 3 में दिखने वाले हैं, और वो कैरेक्टर हैं कोलोसस और वेनेसा का। तो स्टीफन कपैचिक और मोरेना बकारिन भी अब कास्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट ब्लेड मूवी से है। तो डेडलाइन के एक रिपोर्ट के मुताबिक मिया गौथ को ब्लेड मूवी में कास्ट कर लिया गया है। वैसे अभी तक मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि मिया कास्ट हुई है या नहीं। वैसे कई फैंस अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मिया को लिलिथ का रोल दिया जाएगा या मदर ऑफ डीमंस का, बट देखना होगा कि मिया की कास्टिंग कंफर्म होती है या नहीं। वैसे ब्लेड मूवी के अपडेट्स को लेकर मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, बिकॉज इस मूवी से सच में उम्मीदें हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि प्रिजन ब्रेक के एक्टर पॉल एडेलस्टाइन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कंफर्म कर दिया है कि वो MCU में आने वाले हैं। उन्होंने एक पिक शेयर किया जहां उन्होंने बताया कि वो फिलहाल एटलांटा में हैं MCU के किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए। अब वो प्रोजेक्ट कौन सा है कुछ पता नहीं। फिलहाल तो 3 ही प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। एक तो है अगाथा कोवेन ऑफ केओस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ब्लेड मूवी। तो लेट्स सी कि पॉल किस प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। अगली खबर है कि सोनी स्टूडियोज में स्पाइडरमैन यूनिवर्स की स्पिन ऑफ मूवी एल मुएर्तो को स्टैंड स्टिल पर डाल दिया है। अब जो लोग इस टर्म से कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि स्टैंड स्टिल का मतलब है कि उस प्रोजेक्ट पर कोई काम और कोई बात नहीं चल रही, अच्छा बुरा आगे बढ़ेगा या स्क्रैप होगा कुछ भी नहीं, यानी बस प्रोजेक्ट को अननोन ड्यूरेशन तक बंद कर दिया गया है। वहीं अगले साल की रिलीज डेट है इस प्रोजेक्ट की, और अब तक इसे स्टैंड स्टिल पर डाल देना यही दिखाता है कि जल्द ही ये मूवी कैंसिल हो सकती है। एंड हम तो चाहेंगे कि इसे कैंसिल कर देना ही सही होगा, बिकॉज सोनी को स्पाइडरमैन यूनिवर्स को लेके अब सीरियस हो जाना चाहिए। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही दी मार्वल्स के ट्रेलर में दिखने के बाद सैमुअल एल जैक्सन RDJ को पीछे कर चुके हैं सबसे ज्यादा ट्रेलर्स में अपीयर होने के रिकॉर्ड में, यानी कि अब निक फ्यूरी आयरन मैन से ज्यादा बार अलग अलग प्रोजेक्ट के ट्रेलर में दिख चुका है। तो इस वीक ज्यादा मार्वल के अपडेट्स हैं नहीं, तो अब चलते हैं सीधा DC के अपडेट्स की तरफ। तो इस वीक की सबसे बड़ी DC अपडेट है कि HBO मैक्स और डिस्कवरी प्लस को मर्ज करके अब एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया जा रहा है, जिसे सिर्फ मैक्स कहा जाएगा। इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दोनों ही OTT के शोज अवेलेबल होंगे, और उसकी कीमत $16 पर मंथ की बताई जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि क्या मैक्स इंडिया में अवेलेबल होगा या नहीं। वहीं अगली अपडेट है क्रीचर कमांडो से। तो जेम्स गन ने शो के कास्ट को अब कंफर्म कर दिया है, जो शो में कैरेक्टर को वॉइस देंगे और लाइव एक्शन में उन्हें परफॉर्म भी करेंगे। तो जो कास्टिंग है वो कुछ इस तरह है: फ्रैंक ग्रिलो एज रिक फ्लैग सीनियर, डेविड हार्बर एज एरिक फ्रैंकेनस्टाइन, इंदिरा वर्मा एज दी ब्राइड, एलेक ट्यूडाइक एज डॉक्टर फॉस्फोरस, मारिया बाकालोवा एज प्रिंसेस इलाना रोस्तोविच, शॉन गन एज बोथ GI रोबोट एंड वीजल, जोए चाओ एज नीना मांजुर्स्की और स्टीव एगी एज जॉन इकोनमोस।
अगली अपडेट है कि ट्विटर पर यह रूमर चल रहा है कि DCU में हार्ली क्विन पर एक स्पिन ऑफ शो बन रहा है हार्लिन नाम से, जहां हार्ली के पास्ट लाइफ को दिखाया जाएगा। अब इस पे एक फैन ने सीधे जेम्स गन से पूछ लिया। जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि ऐसा कोई भी शो DCU में नहीं बन रहा है, ना ही अभी हार्ली क्विन हमें DCU में दिखेगी। वहीं HBO मैक्स ने एक इन प्रोडक्शन टीजर रिलीज किया पेंगविन शो का, जहां हम कॉलिन फेरल को एज पेंगविन देख सकते हैं। इस प्रीव्यू में शो के बाकी कास्ट को भी दिखाया गया, जैसे क्रिस्टीन मिलियोटी एज सोफिया फेल्को। वहीं इस शो को लेकर कहा गया कि ये नेक्स्ट चैप्टर इन दी बैटमैन सागा होने वाली है। साथ ही मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस रिवील इवेंट के दौरान वार्नर ब्रोस ने दी फ्लैश मूवी से माइकल कीटन के बैटमैन का अनमास्क्ड लुक शेयर किया, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस सीन में वो बैरी से आकर पूछता है कुछ मदद चाहिए। तो ये है हमारे ओल्ड बैटमैन भैया जो हमें दिखेंगे दी फ्लैश में। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट गाइस। तो DC की तरफ से बस इतने ही अपडेट्स हैं, तो अब चलते हैं हमारे मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि मैक्स सर्विस के लिए हैरी पॉटर की सीरीज अनाउंस हो गई है। पिछले सुपर सैटरडे में मैंने बताया था कि वार्नर ब्रोस हैरी पॉटर पर सीरीज लाने का सोच रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि राइटर J.K. रावलिंग इस सीरीज की प्रोड्यूसर बनेंगी। वहीं शो के लिए अब एक शो रनर की तलाश है। तो लेट्स सी कि हैरी पॉटर की यह सीरीज कैसी रहती है। वहीं वार्नर ब्रोस डिस्कवरी मैक्स प्रेजेंटेशन के दौरान HBO ने अनाउंस किया कि गेम ऑफ थ्रोन्स का एक प्रीक्वल प्रोजेक्ट को अब लाया जाएगा, और वो प्रोजेक्ट है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स द हेज नाइट, जो कि मार्टिन के फैंटेसी नोवेल डंक एंड एग पर बेस्ड होगी। साथ ही हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। ये अपडेट एक पिक के साथ दी गई, जहां हम आयरन थ्रोन को रेड कीप के हॉल में देख सकते हैं। और अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो सबसे पहली अपडेट है नारुतो फैंस के लिए। तो नारुतो के पिता और लॉर्ड फोर्थ होकागे मिनाटो नामी काजे पर एक शॉर्ट स्पिन ऑफ मांगा आने वाला है, और इसे खुद मासाशी किशिमोटो लाने वाले हैं। एक्चुअली में एक पोलिंग हुई थी सुएशा जंप फेस्टा 2023 इवेंट के बाद, जहां मिनाटो को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, बट शॉकिंग बात ये रही कि इस लिस्ट में हाशिरामा बिल्कुल नहीं था। आई मीन व्हाट द फक मैन, बट स्टिल मिनाटो पर स्टोरी देखना दिलचस्प होगा। वह रेसिडेंट इविल डेथ आइलैंड मूवी से उसका मेन विजुअल और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, और भाई क्या ही क्वालिटी है, मतलब जबरदस्त। वहीं ये मूवी 7 जुलाई को रिलीज होगी। अगली अपडेट है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर से। तो ब्लीच के राइटर तीते कुबो ने खुद बताया कि 1000 ईयर ब्लड वॉर में एक ऐसा बैटल दिखेगा जो कि मांगा में ओरिजिनली नहीं है, यानी कि ये बैटल बिल्कुल एनीमे ओरिजिनल होने वाला है। साथ ही रिक एंड मॉर्टी की टीवी एनीमे इसी साल HBO के नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मैक्स पर स्ट्रीम करी जाएगी। वहीं राइट CEO निकोलो लॉरेंट ने कंफर्म कर दिया है कि आर्केन सीजन 2 इस साल नहीं आने वाला, कॉज उस पर काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आर्केन का सीजन 2 2021 में ही अनाउंस किया गया था, बट वर्क कंप्लीट ना होने के कारण इसे अब डिले किया जा रहा है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।